मैं कुसुम माहौर कक्षा 9वीं में आपको गणित विषय का अध्ययन कराऊंगा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1, इसका नाम है संख्या पद्धति। इसके लिए एक टॉपिक लिया गया है, इसका नाम है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या रेखा का निरूपण करना। किसी भी वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है, इसकी सहायता से हम इस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए हम देखें। मान लीजिए हम संख्या रेखा पर 2.665 का स्थान निर्धारित करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि 2 और 3, बेटा जो संख्या ली है 2 और 3, उसके बीच जो संख्या 2.665 ये स्थित है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखें। मान लीजिए हम इसे 10 बराबर भागों में बांट देते हैं और इस भाग के प्रत्येक बिंदु को अंकित करते हैं। इस चित्र को देखें बेटा, इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में एक रेखा दी गई है, उसको हम उसके ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं तो इस चित्र को हम संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्याएं ली हैं, यहाँ 2 दर्शाया गया है, ये 3 दिखाई दे रहा है। 2 और 3 के बीच 10 भाग हैं और जो 5वां भाग है ये होगा 2.5, ये वाला भाग कहलाएगा। तब 2 की दाईं ओर का पहला चिन्ह 2.1 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.2 को निरूपित करेगा, फिर 2 और 3 के भाग को देख सकते हैं। अब 2.6 और 2.7 के बीच 2.665 स्थिर है। आइए इस चित्र को देखें बेटा, ये रेखा दी गई है संख्या रेखा, इसमें 2 और 3 के जो बीच की संख्या जो है ये प्रदर्शित है। अब इसके इस संख्या के जो बीच की जो 2 संख्याएं हैं वो यहाँ हैं, 2.6 यहाँ पर होगी और 2.7 होगी। तो 2.6 और 2.7 के बीच 10 भाग हैं। बच्चों देख रहे होंगे ये एक जो ब्लैक लाइन दिख रही है, काली लाइन, इसमें 10 भाग हैं। तो पहला भाग 2.161 को निरूपित करेगा, 2.62 2.63 2.64 और ये वाली जो लाइन है 2.65 को निरूपित करेगी, फिर 2.66 2.67 2.68 6.9 और उसके बाद 2.7 होगा। अतः आइए हम 2.6 और 2.7 के बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। इसे पुनः 10 बराबर भागों में बांटते हैं। पहला चिन्ह 2.61 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.62 को निरूपित करेगा। आकृति चित्र भी देखें, ये चित्र में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2.6 और 2.7 के बीच 10 भाग। अंत में अब इस आकृति में 2.665 पुनः 2.66 और 2.67 के बीच स्थित है। यह भाग 10 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला चिन्ह 2.661 को निरूपित करेगा, अगला चिन्ह 2.662 को निरूपित करेगा। आइए बेटा इस चित्र को हम फिर से ध्यान से देखें। यहाँ 2.6 और 2.7 के बीच जो संख्या ली है, यहाँ 2.66 और 2.7, इसको फिर से दोबारा यहाँ पे दिखाई गया है। अब ये 2.66 और 2.67 के बीच के भाग को दर्शाया है, इसके बीच में भी 10 भाग होंगे। 10 भाग में ये जो पहला भाग है 2.661, दूसरा 2.662, तीसरा भाग 2.663, चौथा 2.664 और ये 5वां भाग है 2.665 को निरूपित करेगा। इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। आइए अब एक उदाहरण
देखें, उस उदाहरण में आपको पूरे से चित्र अच्छे से दिखाए गए हैं। इस चित्र में पूरी संख्याओं को निरूपित किया गया है। संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 तक 5.37 का निरूपण देखिए। आपको चित्र में बहुत अच्छे से बेटा दिखाई दे रहा है कि 5 जो संख्या है 5.3 ये जो है 5 और 6 के बीच होगी। दूसरा चित्र ये वाला है, इस चित्र में 5.3 और 5.4 के बीच के 10 भाग को लिया गया है। तो बेटा इसके बीच के 10 भाग में से ये वाला जो भाग है 5.35, 5.36 और ये हो जाएगा 5.37। अब हम फिर से 5.37 और 5.38 को फिर से दर्शाएंगे। इसके बीच में 10 भाग हैं तो पहला भाग इसी प्रकार होगा और फिर इसके बाद हमको जो संख्या निकालनी थी 5.377 ये हो जाएगी 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774 और ये वाली जो है 5.3775, अगली 5.3776 और फिर ये वाली जो संख्या है 5.3777 ये संख्या यहाँ पे दर्शाई गई। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम कौन कौन से होते हैं। यहाँ ए एन एम प्राकृतिक संख्याएं ली गई हैं, जहाँ ए को आधार तथा एम एन को घातांक कहा जाता है। तो घातांक के नियम में पहला नियम देखेंगे हम, ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर होता है ए की घात एम धन एन। दूसरा नियम, ए की घात एम इस पूरे की घात एन, ये होती है ए की घात एम गुणा एन। तीसरा नियम है, ए की घात एम अपॉन ए की घात एम बराबर होता है ए की घात एम ऋण एन होगा। चौथा नियम है, ए की घात एम गुणा बी की घात एम बराबर होगा ए बी की दोनों की घात एम के बराबर होगी। अगला नियम, ए की घात जीरो बराबर होगा एक के। उदाहरण देखें, पहला उदाहरण है 4³ × 4⁵ होगी 4³⁵। इसमें घातांक नियम से दोनों घातें जो हैं जुड़ जाएंगी, 3³ = 8 होता है तो 4³ = 8 होगी। दूसरा उदाहरण, 2³ दोनों की घात 1 होगी, होगी 2³⁹। यहाँ आधार एक ही है तो यहाँ घातें घातों में गुणा होगा तो 3 × 1 होता है 3, 2³ तो 2³ जब हल करेंगे तो ये होगी 8। तीसरा उदाहरण है, 20³⁸ / 20⁸ घातांक नियम से हो जाएगा 20³⁰⁸ घातें यहाँ घट जाएंगी तो 20³ 2, 20² का मतलब 20 × 20 हल करेंगे तो 400 होगा। चौथा उदाहरण, 6³ × 7³ यहाँ बच्चों आधार अलग अलग है और घात एक है तो घातांक नियम से हो जाएगा 6 × 7 दोनों की घात 3, 6 × 7 होता है 42 × 3। पांचवा उदाहरण, 8³ बराबर घातांक नियम से 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन है याद कीजिए। प्रश्न नंबर 1, 64³ / 1/2 इसका हल देखेंगे। 64 को 8 × 8 में लिख सकते हैं कि घात 1/2। 8 और 8 का वर्ग होता है 1/2, दोनों घातें जो हैं वो कैंसिल होंगी तो 8 की घात 1 हो जाएगी बराबर 8।
घातांक नियम से। घातांक नियम इसमें हम लगाएंगे तो 8 a की घात m की घात n बराबर होगा a की घात m गुणा n। आंसर है 8। प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। 125 की घात 1/3, इसका हल देखेंगे। 125 को हम जब गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 के रूप में लिखते हैं कि घात 1/3, तो इसको लिख सकते हैं घातांक नियम से 5 × 3 दोनों की घात 1/3 होगा। अब इसका नियम फिर से लगाएंगे तो घातांक जो है 3 × 1/3 कैंसिल होगा तो 1 होगा। 5 की घात 1 होता है। उत्तर आएगा इसका 5। सवाल को हल करें। 5 × 7 / 1/2 × 8 / 1/2 अब जो देखें इसमें दोनों आधार अलग अलग, तो इसको हम घातांक नियम एक लगाएंगे तो इसको लिखेंगे 7 × 8 / 1/2। 7 × 8 होता है 56 / 1/2। ये इसका उत्तर होगा। बच्चों होमवर्क दे रही हूँ, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित कीजिए। प्रश्न 2, 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को निरूपित कीजिए। प्रश्न 3, ज्ञात कीजिए घातांक नियम से। इसमें आपको 3 सवाल दिए हैं। पहला सवाल है कि 32 की घात 1/5, दूसरा 9 की घात 3/2, तीसरा 16 की घात 1/4। बच्चों गृह कार्य को नोट करें, इसको करें।